हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम MI नोट 4 का टच चेंज करेंगे जो कि क्रैक हो गया। ये देखो, इसमें पूरा टच पूरा ऑपरेट हो रहा है, फ़ोन भी पूरा चल रहा है, पर जो है इसका मतलब ये पूरा क्रैक हो गया है। इसको चेंज करेंगे हम OCM मशीन से। इसके लिए हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। इसके मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करेंगे और मदरबोर्ड के जितने भी स्क्रू है सारे स्क्रू खोल देंगे इसके, क्योंकि सब मदरबोर्ड से पूरे डिस्प्ले वगैरह को निकालने के लिए गर्म करना पड़ता है। तो इसके लिए हम बैटरी वगैरह है इन सब चीज़ों को हटा देंगे उस पर से। सेंसर को रिमूव कर दिया मदरबोर्ड पर से, सेंसर के नीचे भी स्क्रू आता है। सारे कनेक्टर को मदरबोर्ड पर से हटा रहे हैं। ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर, टच का कनेक्टर, उसके बाद में ये डिस्प्ले कनेक्टर है इसके अंदर। देखो, इस पर से हमने बैटरी को रिमूव किया, चिपकी हुई रहती है बैटरी के नीचे, ग्लू लगा हुआ रहता है। उसके लिए हम फेल्कॉन टूल का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे जो रहता है फेल्कॉन 530। आप इसमें देख रहे होंगे कि फेल्कॉन 530 से थोड़ी बैटरी गीली हो रही है, लेकिन इसमें डिस्प्ले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये फ़ोन फर्स्ट टाइम खुला है इसलिए इसकी बैटरी ऐसी चिपकी है। बस तो बैटरी अलग हो गई है, मदरबोर्ड को भी रिमूव कर देंगे। इसका यह मदरबोर्ड को जो है हमने इससे हटा दिया, ठीक है। अब ये इसमें से अपना जो है डिस्प्ले लगा हुआ, पूरा फोल्डर बोलते हैं जिसको, वो लगा हुआ है। ये टच के कनेक्टर को हम बोर्ड पे से रिमूव कर रहे हैं। निकल गया ये तो, टच का कनेक्टर अलग कर दिया। अब इसको हम जो है स्प्लिटर मशीन पे रखें, जो सेपरेटर मशीन जो अलग करती है। इस पे है टेम्परेचर पे, हमने टेम्परेचर को हमने जो है 120 पे सेट किया हुआ है, और इस पे लगभग 2 से 5 मिनट रखना पड़ता है इसको। उसके बाद में जो है इसको निकालना पड़ता है। ये इसमें फोल्डर को हमने अलग कर लिया है मदरबोर्ड से, इस पे से मिडिल पे से। अब इसको तार से हम टच को और डिस्प्ले को अलग करेंगे। इसको फिर थोड़ी देर के लिए रखेंगे गर्म होने के लिए। अब लगभग ये 5-7 मिनट गर्म हो चुका है। अब इसको हम तार से अलग करेंगे, टच टूटे हुए टच को और LCD को अलग करेंगे।
ये देखो इसके अंदर टच और डिस्प्ले दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो LCD के ऊपर जो ग्लू है उसको पूरा क्लीन करना है। इसके अंदर से जितना भी जो ग्लू रहता है, जैसे देखिए निकली हुई ये टच है ना, इसके बीच में ग्लू रहता है, तो ये ग्लू जो है यहाँ पर भी है, तो इसको पूरा रिमूव करके एकदम क्लीन कर रहे हैं बिल्कुल। ये LCD बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, इसके ऊपर सारा ग्लू हट चुका है। ये हमारे पास नया टच है, अब इसके ऊपर हम OCA लगाएंगे। सबसे पहले इसको LCD को वापस फ्रेम में सेट करेंगे, ताकि हमारी जो OCA टच के बीच में जो हम ग्लू लगाएंगे तो वो एक के ऊपर एक लगे, मतलब डिस्टर्ब नहीं हो। इसमें हम OCA लगाने से पहले सबसे पहले टच को चेक करेंगे, क्योंकि टच पे गारंटी वारंटी आती नहीं, इसलिए चेक करने लगाने से पहले उसको पूरा चेक करना पड़ता है। LCD कनेक्टर, टच कनेक्टर और ऑन ऑफ स्विच कनेक्टर और बैटरी कनेक्ट करके हम जो है सबसे पहले इसकी पूरी टच को चेक करेंगे। फ़ोन चालू हो गया, ये हमारे सतीश भैया हैं जो टेक्नीशियन है हमारे, काफ़ी हुनरमंद इंसान है और उनका हाथ काफ़ी साफ है काम करने में। उनको बूट होने में 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। पासवर्ड ज़्यादा 1264। देखो टच चेक करने के लिए हम इसको पूरा लॉक खोलने के बाद जो है पूरा इसको चेक करेंगे। देखो टच को पूरा चेक कर लिया है इसको चला करके, एक बार टच किया फिर इसमें OCA से चिपका देंगे तो फिर निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए टच को लगाने से पहले पूरा चेक करते हैं। टच पूरा चेक कर लिया है, अब जो है इसमें OCA लगाएंगे। अब वापस से हम जो है LCD को थोड़ा सा एक बार क्लीन करेंगे। अब इसके ऊपर हम OCA लगाएंगे। अब जितनी जो एक्स्ट्रा है इसके अंदर उसको हम कटर या ब्लेड की मदद से साफ करेंगे। अब LCD को हम फ्रेम में रखेंगे और इसके ऊपर जो है फिर टच को रखेंगे, ताकि एग्जैक्ट उसकी जहाँ पर उसको रखना है उसी के ऊपर लगे। अब ये देखें, एक इसके ऊपर और लगा हुआ है पन्नी को, हमने उसी पे से निकाल दिया। अब डायरेक्ट इसके ऊपर टच रख देंगे। टच के ऊपर भी एक पन्नी लगी हुई है ताकि स्क्रैच ना लगे, उसको भी रिमूव कर देंगे और डायरेक्ट जो इसके ऊपर LCD के ऊपर हम रख देंगे इसको। देखो इसके ऊपर रख दिया है, अब OCA और इसके बीच में चिपक, थोड़ा सा ये चिपक गया, लेकिन अभी इसके बीच में बबल है और अभी थोड़ा LCD को सेट करने के लिए हम OCA मशीन में रखेंगे। हमने मशीन को चालू किया, ये मशीन के अंदर हमने इसको रख दिया।
ये लगा के हमने इसको चालू कर दिया। अब इस मशीन के अंदर पूरा जो है उसका पूरा जो अंदर की इसके अंदर जो वैक्यूम से पूरे जो इसके अंदर के निकल जाएगी। देखिए देखिए ये सेकंड जैसे होंगे तो ये नीचे आ जाएगी। देखिए सेकंड काउंट हो रहे हैं, 20 सेकंड बाद अंदर की पूरी हवा निकल करके ये देखो ये नीचे आ गया। कुछ सेकंड तक प्रेस रहेगा, ये अंदर की पूरी हवा जो है बाहर निकल गई। ये देखो अब इसके अंदर जो है अंदर की एयर निकल गई, कुछ बबल हैं, अब वो हम बबल रिमूवर मशीन में रखेंगे उससे निकल जाएंगे। देखिए कुछ कुछ बबल हैं अभी इसके अंदर, अब ये बबल रिमूवर मशीन में हम रखेंगे इसको। इसमें हम 3 मिनट के लिए रखेंगे इसको। इसमें 3 मिनट का टाइम लगेगा, हम वीडियो को कुछ सेकंड के लिए स्किप करेंगे। देखो अब लगभग इसमें 2 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं। बबल रिमूवर मशीन में हमें जो हमने असेंबल किया है ग्लास और मतलब टच और फोल्डर को एलसीडी को जो फोल्डर बनाया है इसको लगभग 3 मिनट तक रखना होता है। 3 मिनट के अंदर इसमें लगभग सारे बबल रिमूव जाते हैं। देखिए प्रेशर नीचे हो गया, ये 90 के ऊपर जाता है प्रेशर, जिससे सारे बबल निकल जाते हैं OCA और LCD टच के बीच में से। देखिए अब हम इसको खोल सकते हैं। 3 मिनट के अंदर इसके लगभग लगभग सारे बबल्स अंदर के निकल जाते हैं। ये देखिए अभी एक पूरा फ्रेश फोल्डर की तरह बन गया है, ये नए फोल्डर जैसा। इसमें ओरिजिनल डिस्प्ले है और टच अपन ने चेंज किया है और ये पूरा जो है कंप्लीट फोल्डर बन चुका है। अब हम इसको इसमें लगा के इसमें ग्लू लगा के चिपका देंगे। इसको चिपकाने के लिए हम E8000 ग्लू का यूज़ करेंगे। इसको फ्रेम पर हम चारों तरफ ग्लू लगाएंगे ताकि ये फोल्डर उस पर चिपक जाए। कंपनी से जो लगे हुए फोल्डर आते हैं उनके अंदर स्पंज की एक फ्रेम आती है जिसमें बस उसका ऊपर की पन्ने निकाल करके सीधे हम मदरबोर्ड पर प्लेस कर सकते हैं। पर चूंकि हमारे पास ओरिजिनल फोल्डर नहीं है, हमने इस फोल्डर का असेंबल किया है, मतलब OCA मशीन से हमने टूटे हुए टच को अलग करा है LCD पर से और फिर वहाँ पर हमने नया टच को लगाया है, तो इसलिए जो है हमें ये ग्लू की मदद से मिडिल के ऊपर ये फोल्डर को चिपकाना पड़ेगा। देखिए इसके चारों तरफ हम लगा रहे हैं ग्लू ताकि इसमें कहीं पर कोई गैप ना रह जाए। एक तरफ से टच का कनेक्टर निकलता है और नीचे की तरफ से LCD का कनेक्टर होता है। अब इस पर हम मदरबोर्ड को प्लेस कर देंगे। जितने भी कनेक्टर है इसमें नेटवर्क के LCD के सारे कनेक्टर को हम इसमें मदरबोर्ड पे लगाएंगे। सबसे पहले टच के कनेक्टर को चिपका देंगे। पीछे का ढक्कन है ये, इसको लगा देंगे। अब हम इस पर जो है सेलो टेप लगाएंगे क्योंकि अभी इसके अंदर हमने जो ग्लू लगाया उसे सूखने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसके लिए हम इसमें चारों तरफ अभी सेलो टेप लगा करके चिपका देंगे ताकि जो फोल्डर हमने अभी ग्लू से लगाया है वो प्रॉपर उसकी जगह पर चिपक जाए। ये देखिए ये ऑन हो रहा है, ऑन होने में लगभग 5 से 7 मिनट लेगा। ये देखिए फ़ोन पूरा चालू हो गया है।
ये हमने कस्टमर से पूछा हुआ पासवर्ड ला करके, ये देखिए पूरा टच इसका जो है चालू हो गया है। ये देखिए भाई ब्राइटनेस वगैरह भी सब वर्क कर रहा है, इसका टच पूरी प्रॉपर वर्क कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सतीश यादव जी हैं, ये हमारे टेक्नीशियन हैं जिन्होंने पूरा जो है फ़ोन को रिपेयर किया है, टच इसका रिप्लेसमेंट किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।